نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو اور جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے جو لائیو پروگرام پوری روئے زمین تے جو لوگ چاندے نے جو محبت فرمان والے ایک دو چار نہیں ہزارہ نہیں لکھاں دے صحابنا لوگ ماشاءاللہ قرآن و سنت دی بات سننے والے پیار کرنے والے انہا سارے آوازتے سارے انہوں میں مخاطب کر کے کہنا میرے معزز سامعین پیارے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماں و معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اجرا اس سال رمضان المبارک دے مہینے دے اندر قرآن پاک دے رموز اور قرآن پاک دے جو نقطے جو مسائل جو احکام اے دے اندر جو مطلب گتھیاں جڑیاں نے نا انہاں نوں سلجھان دا اللہ نے موقع عطا فرمایا اور دن رات قرآن پاک دا ایدے ترجمے ایدیاں تفسیراں احادیث دا او مطالعہ بس ہور کوئی کام ہی کوئی نہیں ایدے تو علاوہ اور بڑا لطف آیا نہ اتنا پوری زندگی ٹائم ملیا نہ اتنا مطالعہ ہو سکے ضرورت دے مطابق تھوڑا بہتا ہوندا لیکن اس طریقے نال کدی بھی نہیں ہویا پوری زندگی اندر دوران تعلیم تو پڑھ دے تے بس جلسے نکلے 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 بس دو دو تین تین چار چار تقریراں دہاڑی دیاں ہاں جی تو بس موقع ہی نہیں ملیا لیکن موقع ملیا جو میں کہتے ہیں کبے دے لت وجی او دا کب نکل گیا اللہ دی مہربانی نال سانو تے فائدے چ رہا ہے اے لاک ڈاؤن کیونکہ بیٹھے ہیں بس قرآن نال پیار پی گیا اللہ دی مہربانی نال غلطیاں ملتیاں نکل جان گیاں انشاءاللہ کچھ نکل گئیاں بس ہن ایک واری بندہ جدھر لگ جائے نا تے پھر پاویں او لاک ڈاؤن کھل بھی جان تے پر ساڈا جڑا اے دے نال محبت تے پیار اے جڑا مطالعے والا دروازہ کھل گیا نا جڑا تفسیراں پڑھن اے کھلا ہی رہنا انشاءاللہ ہن کھلا ہی رہنا اللہ دی مہربانی نال اللہ اکبر اللہ ویسے تے سورہ کہف دے اے 12 رکوع جے 12 رکوع
ते जे मैं एक या दो रुकूआं दा ही तसलसल नाल मफहूम बयान करा ते एक एक घंटा एक एक रुकू ते चाहिदा है। लेकिन मैं ये सारा ही 40-45-50 मिनट के अंदर मैं कोशिश करांगा कि बस सारे का सारा मफहूम बयान कर दें। तवज्जो फरमाना मेरे और तो आडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद गल बनी नहीं, फिर एक बारी कह दो सल्लल्लाहो। हाँ जी कह दो कारी मौलाना शमशाद सलफी नू फिर बुला लिए। हाँ जी उन्होंने इत्थे ही रखना घंटा पूरा, कह दो फिर कोई गल करनी, मैं कह दूं ओ फिर कह दूं बंदे की आखन लग जाते ने कवो भी जो कुछ कहना है। हाँ जी कवो तो सही ना, कह दूं तो 5-10 मिनट 15 मिनट इत्थे ही ला देने ने उन्हें बंदे। एक उन्हें दा अंदाज है अपना, इस वास्ते इधर वेखना मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे और तुहाडे प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहो, फिर कह दो एक मरतबा सल्लल्लाहो, माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी तौहीद बयान कर देने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगां नूं हदायत जारी फरमा देने, अहकाम बयान कर देने, लोगां नूं जहन्नम दी अग तो डराउंदे ने, जन्नत दियां खुशखबरियां देंदे ने। लेकिन मुशरकीन मक्का ओ जिद ते अड़े होए प्यारे नबी दी बात सुनने वास्ते तैयार नहीं। इहदे अंदर ओ वी बात आएगी मुशरक तकबर और गुरूर अपने आप नूं समझदे पता नहीं की ने। लेकिन इब्तदा दे अंदर मैं दसदा चला जावां, इन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं चंद सवालात कीते, उन्हां सवालां दे विचों कुछ सवालात दे जवाब सूरह काफ अंदर मौजूद ने। ये यहूदियां ने आख्या कि उदो मुशरकीन नूं ते इन्हां गल्लां दा पता ही नहीं सी, पिछलियां किताबां जो अहले किताब सन यहूदी या ईसाई उन्होंने आख्या पुछो इस नबी को जेड़ा अपने आप नबी बनाई नबी समझदा पिया है, इन्हां नूं पुछो असहाबे काफ कौन सन, रूह केड़ी चीज है, हजरत मूसा अलैहि सलाम ते खदर खिदर दा की वाकया होया, या ज़ुल्करनैन कौन सन, पुछो सवाल करो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने सवाल किते, अल्लाह करीम ने फरमाया अम हसिबता अन्ना असहाबल काफी वर रकीम, अल्लाह फरमा देने क्या तुसा लोगों ने गुमान किया है, तुसी लोग जानते हो कि असहाबे काफ वर्रकीम, ओ रकीम आखदे ने तख्ते वाले, ओ कतबा जेदे ते असहाबे काफ दे नाम लिखे हुए सन, नाम लिखे हुए असहाबे काफ दे, ओ रकीम यानी ओ तख्ती वाले, ओ जेदे ते नाम कतबे कतबा आख्या जा सकदा, ओ कतबे वाले, और काफ गार नूं बोलिया जांदा है यानी गार वाले कौन सना, अल्लाह फरमांदे ने कानू मिन आयातिना आजाबा, अल्लाह फरमा देने ओ साड़िया निशानिया विचो अजीबो गरीब निशानी सन, अजीबो गरीब निशानी, अल्लाह नू फिर भी ना कोई समझे। पूरे कुराने पाक अंदर कोई वाकया सिर्फ बतौरे वाकया नहीं बयान किया गया, ना ना वाकयात बयान करना कुरान दा मकसद ही नहीं, किस्से कहानियां सुनाना कुरान दा मकसद ही नहीं। अगर किसी वाक्य नू बयान किया ना हर आयत दे नाल हर ऐत दे नाल वाकया भावे वह 12 रुकुआं च क्यों ना हो, भावे सपारिया च क्यों ना सिम जनाब बिखरिया हो, लेकिन हर ऐत तो बाद एक तो बाद दूसरी ऐत तो बाद ऐता तो बाद नाल 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 अल्लाह तबारक व ताला ने हदायत वास्ते जेड़े ने ना वो अहकाम बयान फरमाए। ऐ गल नहीं समझते, इस गल ते एतबार नहीं करते, अजे तक इतनी बड़ी निशानी आ गई फिर भी ये लोग समझने वास्ते तैयार नहीं। मतलब है कि नसीहत
तज़कीर जनाब समझाना वाज करना ये है कुरान पाक दा असल नजूल दा मकसद। उस मकसद नूं असी लोग भुल गए, असी कहने ना ना, ना। मौलवी साहब अखां बंद कर लैन एक पासो लगन ते शुरू वाके सुन दी कहानियां सुन दी आदत बचपन चो ही पा दित्ती। क्यों जी? झूठियां कहानियां पूरी पूरी रात कहानी नहीं सी मुकदी, पूरी पूरी रात वो कहानियां सुनाण दी ते सुन दी आदत बचपन तो ही पई हुई है। कुटिया मुसलमाना दे घरां च झूठ सारे तबरले बोली जाने सुनी जाने सुनाई जाने ते फिर हुण वाकया सुन दी आदत ते पहले कोठी च रची हुई है ते केड़ा बंदा नसीहत दी गल सुने। बस जी वाकया अगे जी लुत्फ आना चाहिए मजा आना चाहिए बस तकरीर दा इंज तार ना टूटे हेठली उतली मचा दियो। अगे जी पता ओदे च कहण उहने कहण कूण दी गल नहीं, कुछ कहोगे भी ते असी केड़ा समझणा, असी उधर गौर ही नहीं करना, असी जे चस्का ही लेना है बस। अल्लाह हो अकबर अल्लाह। ते कुरान पाक कैसी किताब है और एदा यार एक तीर ते दो शिकार। अगर ज़ेहने बनावे के मैं अमल करने वास्ते कुरान सुनना है ते फिर चस्का ते आ ही जाना है सुनना है। रोशनदान रख दो, खिड़कियां रख दो, क्यों जी? रोशनी आएगी, हवा आएगी, एहो ही इरादा है। ते बस घरां दियां खिड़कियां रोशनदान ते फिर हवा रे ते आना ही आना है जी, रोशनी तो आएगी। लेकिन अगर इरादा ये कर लवे कि अजान दी आवाज आएगी, मैं नमाज ते जावांगा ते ओ ते चीजां आनियां तेनू सवाब मिल जाएगा, सवाब मिलता रहेगा। जितनी देर तक वो मकान मौजूद रहेगा कायम रहेगा तेनू सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, इरादा नेक है ना। इसे वास्ते कि जिस महफल अंदर जिस मौलवी दा जिस खतीब दा बयान सुनना होवे ते पहले ना अपना ज़ेहन बना लिया कर मैं अल्लाह दा कलाम सुनना है ते अमल करने वास्ते सुनना, बस फिर एक गल बनदी। इधर वेखो ना अल्लाह फरमाते ने कालू मिन आयातिना आजाबा, एते अजीब साड़ियां निशानियां विचो अजब निशानी सी। इज अवल फितिया तू इलल कफ फकालू रब्बाना आतिना रब्बाना आतिना मिल्ला दुनका रहमा। अल्लाह अकबर अल्लाह। जदो नौजवान गार दी तरफ होए ने ते उन्होंने आख्या रब्बाना आतिना मिल्ला दुनका रहमा, अल्लाह अपनी तरफों सानू रहमत अता फरमा दे। वहई इलाना मिन अमरीना वशादा, अल्लाह सोनिया साडे वास्ते साडे मामले दे अंदर आसानी पैदा फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया पौगा रब्बना, पहले सारे वाक्य का खुलासा थोड़िया जी ताज बयान वाक्य अगे शुरू होंदा पे। अल्लाह का कैसा अंदाज है, अल्लाह करीम ने जी जनाब इस अंदाज नाल सुनाया, हकीकत ते मबनी वाकया सुनाया ताकि लोगों का शौक पैदा हो जाए दे च बयान की होएगा। ये खिताबत दे जोर पूरी दुनिया की हर कलाम नालों कुरान में ज्यादा है। एक बंदा कहता है कारी साहब दसो मैं केड़िया केड़िया किताबां पढ़िया करा, मैं खतीब बनना है। मैं कहा तू अल्लाह का कुरान पढ़िया कर, कुरान तो वद खिताबत किसे दुनिया की जबान च मौजूद नहीं, दुनिया की किसे किताब च किसे जबान च किसे जनाब अदब और जनाब बड़िया बड़िया सहाफत दिया किताबा लिखिया हुई खिताबत के फन पारे बिखरे हुए दुनिया के अंदर, लेकिन रब दे कुरान नालों ज्यादा खिताबत किधरे भी नहीं मौजूद। अल्लाह अकबर। ये खिताबत का इंदाद ना ताकि लोगों का शौक पैदा हो जाए कि ये बयान की होंदा पिया। एक दो तीन आयतां जी इन्ना कुछ बयान होया। अल्लाह अकबर। फरमाया जी अल्लाह करीम ने कि ये जनाब गार दे अंदर जाने वाले, ये जनाब जदो गार दे अंदर पहुंचे ने ये सारे दे सारे काफर उस वक्त दा दकिया नूसी बादशाह इतना ज्यादा जालिम मुशरक है वह भी मगर लग गया किधरों कौन
आ गए वहाबी, किधरों आ गए अल्लाह की गल करने वाले, सारे मगर लगे ने। ये नौजवान दौड़े दौड़े काफ च हांजी यानी गार दे अंदर जाके छुपे, गार दे अंदर जाके कहंदे की ने आती ना मिलदुन का वहमा। अल्लाह अपनी तरफों साढ़े ते रहमतां दा नज़ूल फरमा, अल्लाह साढ़े मामले दे अंदर आसानियां पैदा फरमा दे। अल्लाह कहंदा पावा रब्बना अला आज़ानिहिम फिल काफी सीनीना अदादा, असी उन्हां नू सुला छड़िया थपकियां दे के लोरियां दे के, असी उन्हां नू उन्हां दे कन्नां दे उत्ते जिवें बच्चियां नू लाड नाल मां सुलांदी ने इंज करके थपकियां दे के। अल्लाह कहंदा असी अपने प्यारे दोस्तां नू, वली ने वलिया दे जिक्र शुरू है, वली ने असाबे काफ अल्लाह दे इतने प्यारे वली दोस्त, अल्लाह कहंदे ने असी अपने दोस्तां नू अपने प्यारियां नू इवें थपकियां दे के लोरियां दे के सुला छड़िया और सीनीना दादा। कितने साल, अल्लाहु अकबर, अल्लाह फिर असी उन्होंने उठाया है, जगाया है, सुतिया नु जगाया ताकि जनाब वो पुछिए दोनों ताकि दोवे गुरुआ चो हां जी भला कौन जानता है कि कितने साल इन्होंने इतने गुजार कितना अरसा गुजारे आए। हुण अल्लाह सुणा है वाकिया नूं बयान फरमांदा पिया है, अल्लाह फरमांदे ने मेरे प्यारे महबूब पैगंबर, मेरे नबियां दे सरदार पैगंबर, मेरे लाट और चहेते पैगंबर, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक। फरमाया मेरे महबूब हुण असीं बयान कर लगे हां उन्हां दी खबर बड़ी ही सच्ची ते पक्की। उहदे अटकल पच्चू लांदे ने ना सवाल करन वाले, उन्हां तो कोई सौ गल्लां चो एक गल पहुंची होएगी। अल्लाह फरमांदे ने सोणिया सवाल ते उन्हां ने कर लिया ते मगर कली कली गल उन्हां नू खोल के बयान कर देने आ। इन्ना उम फितियतुन आमनु बि रब्बिहिम व जिदनाहुम हुदा। अल्लाह फरमाते ने नौजवान सन जेड़े ईमान ले आए अपने रब ते, सुनिया जे हुण गल, अल्लाह दे वली वली बनदा ओ जेड़ा रब ते ईमान लियावे, है जी एवे जेड़ा हर वेले घोटियां ते जोर रखे पीती ना कदी ना कदा पीती अखे ना कदी कजा कीती, असे घोट घोट पीतियां ते रब नाल गल्लां कीतियां। तुसी बड़े बड़े फरदे नमाजी आखे यारा ने ना आखे नमाज कदी नीती ते ना कदी कजा की। हिस्टरियां बयान करने आ, खोल खोल के पकियां ते सचियां बातां बयान हो रही ने। ओ नौजवान सन आमनु बि रब्बिहिम अपने अल्लाह ते ईमान ले आए, वज़िदना हुम हुदा। बाजातां ते इंजनियां हुदियां ने जिवें कारी मुहम्मद तैयब कारवी साहब फरमा रहे सन, दिल करदा इक वेरी नहीं, दो वेरी नहीं, चार वेरी नहीं, सौ वेरी पढ़ी जावे, सौ वारी। खतीब खतीब एशिया जेड़े सन, बेटा मेनू ना आखना इहो जिहा लफ़्ज़, खतीब एशिया जेड़े ने माशाल्लाह, है जी, और पूरा पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह के फजल नाल स्टेज ते, है जी, बादशाही की है, स्टेज के शाह सवार रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अज भी शाह सवार ने माशाल्लाह। अल्लाह मेरे उस्तादां की जिंदगी लंबी फरमा,
अल्लाह सेहत नाल उन्हां नूं जिंदगी अता फरमा। सुभान अल्लाह, ओ एक आयत नूं 100 वारी पढ़ देण ना उन्हां नूं भबदी है। क्यों जी? ओ ना जिहड़ी चीज जिन्नू भबदी ओ ही नकल रा अकल बाई। नकल वास्ते अकल चाहिदी है। हाँ हाँ जी 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 जी, इस वास्ते ते मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह फरमांदे ने ओ नौजवान ईमान ले आए अपने रब नाल, अल्लाह ने उन्ना दे ईमान नू अल्लाह करीम ने बधा छड़िया। इथों मसला ए भी निकलदा है, अल ईमान यजीदु व यनकुस, ईमान वादा भी है ते घटदा भी है। पूरी दुनिया दे अंदर किसे ते असी तनकीद नहीं करदे, जाओ किताबां आपे पढ़ लो, उन्हां दीआं उन्हां दे असूल ते अकायद पढ़ लो। कारी नवाज साहब मदनी काफला माशाल्लाह पहुंच गया अल्लाह दे फजल नाल। है जी, हुण ते एक ऐस पासे खरल बैठा ते कैदर खरल बैठा है जी, एक खरला दे दरमियान तसी आ गया हुण। माशाल्लाह अल्लाह तुहाडे प्यार कबूल फरमाए। हुण देखो असहाबे काफ दा जिक्र, चलो जिहड़ियां पहला बातां निकल गईयां ते तुसी हुण सुन लोगे, नेट ते सुनोगे दोबारा। अल्लाहु अकबर। ओ जनाब साडे दोस्त जिहड़े तशरीफ लिआए सन अरसलान, ओ कहिंदे ने जिहड़ा खुलासा असी सुन के गए ना, हुण रोज असी उहनूं ही लाई रखदे आ। असी कहिंदे इहदे तों वध कोई होणा ही नहीं, ते जिहड़ा असी लाने आ जिहड़ा फिर कढ़ने आ उह वी इंज लगदा जिवें बस इह होणा सी। ये आखरी एक कुरान दी असल अखीर है, तो कुरान ही करता है, कुरान दी तरफ होती है। साडा ते विच एक जुमले दा भी लफज नहीं, को अमल दखल नहीं। इधर वेखना जरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, पूरी दुनिया दे जितने भी मजाहिब फिर जितने मसालक मुसलमाना दे मौजूद ने, जाओ उन्हां दीआं किताबां खंगाल मारो, हर किस्म दा दुनिया दा हर मसलक, मसलक के हक मसलक के आने हदीस तो अलावा सुनो हर मसलक। वो कहंदा ईमान एक मुंजमद चीज है, ना वधदा है ना घटदा। कहंदा ईमान वधदा घटदा नहीं, हालांकि कुरान भी कहंदा ईमान वधदा भी है ते ईमान घटदा भी है। हदीसां च अंबार लग, बुखारी और मुस्लिम दीआं हदीसां, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसां ले आके कुरान दीआं आयात ले आके उते बाब बनिया, अल ईमान यजीदु व यनकुस, ईमान वधदा भी है ते ईमान। तुसी कहंदे वधदा घटदा नहीं, बाकी दोस्त कहंदे ने वधदा घटदा, तनकीद नहीं, असी हक दी बात वाजे करना चाहने आ, प्यार मोहब्बत नाल दसना चाहने आ। सोने आ अकीदा ओ बड़ा ईमान दे बारे दे अंदर जेड़ा अर्श वाले इलाह ने अपने कुरान अंदर नाजल फरमाया, और प्यारे महबूब पैगंबर ने इस बात नू अमल नाल अपने अपने फरमान नाल अहदीस नाल मेरे नबी ने साबित करके विखाया। अकीदा ओ बनावेगा ते कामयाब, ईमान उंज दा लियावेगा ते ओ ईमान अल्लाह दे हां नजात दा ज़रिया बन जाएगा, वरना अपनी मर्जी दा ईमान ना बनाया कर। अकीदे दी बात है, इस वास्ते मैं इत्थे बहस कीती। अल्लाह फरमांदे ने ओ ईमान लियाए अपने रब नाल, कौन? असहाबे काब। गल शुरू हो गई, असहाबे काब ईमान लियाए अपने रब नाल, वज़िदनाहुम हुदा, और उना दे ईमान दे अंदर असी इजाफा कर छड़िया है, उनू बधा छड़िया है। अल्लाह करीम फरमा रहे ने वमा बक्ना अला कुलूबिहिम इज कामू فَقَالُوا رَبُّنَا السَّمَاوَاتُ رَبُّنَا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا। फरमाया सुनते चले जाना, अल्लाह फरमा देने असी उन्होंने दिल तगड़िया कर दिता, मजबूत कर दिता, और वो खड़े हो गए बादशाह दे सामने, कौम दे सामने, मुशरकीन दे सामने। अल्लाह ने उन्होंने दिल वधा दिते, खड़े हो गए। पता नहीं सुन बाद दो चार मिनट बाद बोटियां बिखर जान गियां, पता नहीं की करेगी कौम साडे नाल, लेकिन अल्लाह ने ईमान वालियां दे उन्हां दे दिलां नूं मजबूत कीता ते खड़े हो गए, अल्लाह दी तौहीद बयान करन वास्ते खड़े हो गए। और जनाब कहंदे कीने फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, कहंदे ने साडा रब ओही है जिहड़ा आसमाना ते जमीना दा रब है, लन्नद व मिन दूनिही इलाहा,
और असी नहीं जे आवाज मार दे नहीं दावत दें दे नहीं असी बोलां दे जनाब अल्लाह दे इलावा अल्लाह दे इलावा किसे होर नू असी माबूद नहीं जे मन दे इला नहीं जे मन दे ए दूसरे इलावा दा साडी तरफों इनकार है ना लकद खुलना अगर असी दूसरिया नू ही इला मन लई अल्लाह तो अलावा ये ते एक बहुत गलत बात होएगी नाल कहंदे ने उलाई कौमुन तकदू मिन दूनही आलिहा ऐ जिहड़ी साडी कौम है ना वेखो यार किड्डी जुर्रत है चंद नौजवान ने ते सारे दा सारा दूसरा जनाब पूरे दा पूरा एक जिवें भेड़ां दा बाड़ा हुंदा है ना इंज डंगरां तरह डंगर ने जिहड़े अल्लाह दी तौहीद नूं नहीं पहचानदे जनाब ओह इक पासे पूरा मैदान लग्या होया पूरी मखलूक उस वक्त दे पूरे लोग बादशाह ते वजीर मुशीर ते अवाम सारी मुशरक सारे मुशरक ने ते उथे गल करना इथे आसान है कि जदों जाओ ते फुल जनाब है कल मैं गया तकरीर करने वास्ते उन्होंने फुल सुटे है जी वो सारे दे सारे मैं आख्या मैं ते साफ कपड़े पा गया कपड़िया नू हो की गया वो इंज जिवें सारे दे सारे जिवें दाग लगे होंदे वो फुल सुटे होते हैं फुल सुटते ने फुल अल्लाह अकबर अल्लाह लेकिन ऐ सन लोग है जी जिन्ना दा ईमान सी ते जिन्ना ने एहो जी जगह ते वाज कीते अल्लाह अकबर है जी जनाब अपनी कौम कहंदे ने आ जिहड़ी साडी कौम है इन्हें अल्लाह दे अलावा इन्हां ने होर बहुत सारे इलावा नू अपना माबूद मन्या होया है लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैन क्या बात है इहदे अंदर ते कमाल दर्जे दी बात बयान हो गई के और ना ते इन्हां दे बारे दे अंदर इन्हां दी इबादत और इन्हां दी पूजा दे बारे अंदर को वाज़े दलील लै करके आए ने इह ते अल्लाह ते बोतान ना दे ने फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा उस नालों वड्डा जालिम कौन हो सकदा है जिहड़ा बंदा अल्लाह ते झूठ बांधे अल्लाह दे बारे अंदर यानी झूठी बात करे इफ्तरा बांधे जदों ये लोग ये जिहड़े असहाब काफ सन इन्हां इन्हां लोगों कोलो और इन्हां दे माबूदा कोलो इलाज इन्हां दी इबादत करदे सन अलहदा हो गए अल्लाह दी तरफ रजू कीता इन्हां इलल काफी यंसुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमती सुभान अल्लाह है जी ओ जनाब है जी काफ दी तरफ यानी गार दी तरफ होए ने गार दे अंदर जाके छुपे लोग मगर लग गए ना सानू एहो जिहा आवाज सुना दे पए ने है जी दौड़े दौड़े गार दे अंदर चले गए जेड़ी गार दे बारे दे अंदर अल्लाह कोलो आसानियां पैदा करने वास्ते रात राज कीती सी ना उस गार अंदर गए अल्लाह फरमाते यंसुर लकुम रब्बुकुम अल्लाह करीम ने मी पा छड़े यानी तुहाडे रब ने निशावर कर दिती है हां जी जनाब तुहाडे रब ने अपनी रहमत ओ आयु हई लकुम मिन अमरिकुम मिरफाका अल्लाह करीम ने तुहाडे मामले सारे आसान कर दिते अल्लाह करीम ने सवा छड़िया उन्होंने जिक्र हो गया ना पिछे गार अंदर सवा छड़िया थपकियां दे के अल्लाह ने सोने ने सूरज नु हुक्म दिता है खुली बड़ी गार अंदर लेटे हुए ने चटियल मैदान ही है दो पहाड़ा के दरम्यान गार जी बड़ी हुई एडा वड्डा मैदान है ना लेकिन अल्लाह ने हुक्म दे रखे सूरज नु सूरज निकलेगा फरमाया सज्जे पासों वला के लंघ जाएगा जदों रूबोण ते आएगा
ते खब्बे पासो फला के गुजर जाएगा। उना प्यारे अनू मेरे बलिया नू थोप ना लगे। अल्लाह कहंदा सूरज तेनू हुक्म है एक दो दिन वास्ते नहीं जिन्नी देर तक भावे हजार साल में मेरे बंदे सुते रहन ते धुप ना इन्हां नू लगे। सूरज नूं वी अल्लाह ने हुक्म दे रखे है। सूरज दी की मजाल अल्लाह दे हुक्म दी अदूली करे। बंदे आ मैनू तेनू की हो गया सी अल्लाह दे काम ठुकराने आ। उन सूरज एवें गुजरदा पे आए वम फी फजवात मिन, हालांकि वह खुली गार अंदर ने, खुली गार खुली जगह दे अंदर ने। हुण इह वी ते अल्लाह दी नाल ही अल्लाह ने नाल नाल हदायत वास्ते बातां दसियां। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, इह अल्लाह दीआं निशानियां ने, रब दीआं निशानियां। हांजी जिहड़ा बंदा हांजी अल्लाह जिहनूं हदायत देवे उहनूं हदायत मिलदी है ना, जिहनूं अल्लाह गुमराह कर देवे। अगला मफूम तर्जमा इह है सारियां आयतां पढ़न दा वक्त नहीं, जिन्हों अल्लाह गुमराह कर देवे कोई उदा कार साथ ते कोई रहनुमा कोई राहबर नहीं बन सकता, कोई उन्हों राह नहीं विखा सकता। और नाल ही फरमाया वतहसबुहुम अयकादा वहुम रुकूद, फरमाया तुसी गुमान करोगे, देखण वाला गुमान करेगा कि जनाब वो जागदे पए ने। हालांकि अल्लाह कहंदा वाहुम वाह ना जड़ी ये हालिया है, हाँ जी वाहुम रुकूद, हालांकि वो सुते हुए यानी अखां खुलियां ते सुते पए ने। अगे चलड़ी चल के अगे चल के मैं बात दसनी सी लेकिन मैं कहना भूल ना जावे, बात बड़ी कीमती है। इधर वेखो अखां खुलियां मगर वो सुते पए ने ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ते कितनी देर सुते रहे ये तादाद इन्हां दे सारे झगड़ने तो बाद सौण वालिया नूं वी नहीं पता। कहंदे ने ना अल्लाह दे वली सब कुछ जानदे ने, 14 तब रोशन हुंदे ने। इन्हां नालों वड्डा अल्लाह दा वली केड़ा है? जनाब ये भी जो उठे ने ते जानदे ही नहीं कितनी देर। कहंदे ने यौम अल औबाद यौम, किसे ने आख्या एक दिन, किसे ने आख्या दिन यादा दिन सुते हैं। कोई बंदा कहंदा छड्डो इन्हां गल्लां नूं, अल्लाह ही जानदा है, बेहतर अल्लाह जानदा है कितनी देर सुते हैं। जाओ खाना लै करके आओ, एक जावे। ये गल ना मैं बात बयान कर रहा हूं, अगे चल के बयान होगी अगली आयत दे अंदर। अल्लाह करीम ने फरमाया वेखो सूरज नूं हुक्म दे छड़िया है, सूरज मेरे बलिया नूं तत्ती वाह नहीं लगन देनी, तेरी गर्मी उन्हां तक ना पहुंचे, उन्हां नूं छां ही रवे। सूरज जदों गुजरेगा तो जनाब चलू होएगा ते ओ होर सिमत तो सज्जे पासों गुजर जाएगा, और रूहों ते आएगा ते खब्बे पासों गुजर जाएगा। उन्हां पहाड़ां दी छां रहेगी मेरे उत्ते, सिर दे उत्ते ना वी सूरज बड़ा के लंघ जाई। सूरजा मेरे बंदियां तो बला के सज्जे खब्बे लंघ जाई, मेरे मेरे वलियां नूं मेरे दोस्तां मेरे बेलियां नूं तत्ती वाह ना लग जावे। दूसरी बात एक है, कितने सौ साल अगे चल करके दसांगा ओ जनाब खार अंदर सुते रहे। अल्लाह अकबर, कोई किसे किस्म दी मट्टी, कोई वायरस, कोई धूड़ उन्हां दियां खुलियां अखां तक भी नहीं पहुंची, अखां तक धूड़ नहीं पहुंची। जद उठे ने ना इंज नहीं कि कतरा किसे धूड़ दा मट्टी दा माड़ जी किसी आहट दा मड़ा जा को मैल दा कोई किसे किस्म दा पहुंचया होवे। अल्लाह ने फरमाया मट्टी धूड़ हवा मैली हवा भी मेरे प्यारे दियां अखां दे कोल ना जावे। सुभान अल्लाह, ऐ जे अल्लाह दे वली अपन ते फिर भी लोग ना समझन अल्लाह नूं, अल्लाह दी तौहीद ना मनन ते लोग हैं जी ओ ते गुमराह हैं जी, फिर ते जहन्नम दे लायक ने। अगर फिर भी नियां निशानियां अगे सारा कुछ बयान होया है दे अंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह करीम ने फरमाया सुनो सुनो इन्हां लोगां दियां बातां के जनाब इस वास्ते अल्लाह कहंदा है हैं जी वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन वज़ात शिमाल,
एक ते ओ सुते होए ने अल्लाह कहंदा सी उन्हां दीआं करवटां वी आप ही बदलदे रहे आं कदी सज्जे कभी खब्बे वाह मट्टी ना खा जाए उन्हां नूं ते मट्टी ने की खाना सी उन्हां दे कफन उन्हां दे कपड़े उन्हां दे कपड़े मैले भी नहीं होए बुसीदा भी नहीं होए अल्लाह जी 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 ए अल्लाह दे बली ने अल्लाह दे बलियां दे बारे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया एक ते ओ सुते संदाद नाल सन वेखण वाला समझे कि ओ जागदे पै ने लेकिन ओ सुते पै सन दूसरी बात एक है उन्हां दीआं करवटां पासे भी असीं आप ही बदलते रहे हां वा कल्ब हुम बासितुन ज़िराई बिल वसीद और जनाब उन्हां दा कुत्ता अपने बाजू फैलाए हुए हाथ भी हो अगले पैर भी हो दे हो जनाब हाथ बाजू जनाब कूणिया जिराई ही जनाब बाजू फैलाए हुए इवे दहलीज दे उते यानी उन्हां दे कोल उन्हां दा कुत्ता भी बैठा होया है कोई वेखण वाला वेखे ए कौन ने की मंजर बनिया पिया है अखां खुलियां ते बंदे सुते होए वेख तोड़ जाएगा उन्हां दा रोब छा जाएगा वाले ते रोब छा जाएगा अगे होने की जरूरत नहीं करेगा अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह जी 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 मेरे सोने बात सुन बरकत बात अगे चलाइए फिर अल्लाह करीम फरमा देने हां जी जनाब ए दिल जदों इन्हां नूं असीं उठाया है जगाया है قال قائل منهم वलियां चो ए वली जिहड़े असाबे काफ ने उन्हां चो इक कहण वाले ने आख्या कम लबिस्तुम ओ कितनी देर सुते हो कालू लबिसना यौमन औ यौमन औ बाद यौम और कहंदे ने के कहण वाले गरो ने किया कहंदे ने जनाब दिन एक दिन सुते हां या एक दिन दा कुछ हिस्सा यानी एक दिन या दा दिन सुते हां दूसरे जनाब दूसरा गरो बोलिया इन्ना चो असहाब काब चो बोल के कहंदा कहंदा कालू रब्बुकुम आलम बिमा लबिस तुम क्यों क्यों झगड़ा करते पे हो तुहाडा रब भी बेहतर जानदा है ईमान वाले हो आलिमुल गैब अल्लाह नु समझने वाले हो अल्लाह दे वली हो बोल उठे अल्लाह दे वली कहंदे ने अल्लाह ही ज्यादा बेहतर जानदा है कि कितनी देर सुते हुए हां इस गल नु छड्डो हुण जाग जू पए हां ते जी दिन गुजरिया या अद्धा दिन या दो दिन उहनां दे बेमो ख्याल च ही नहीं कुत्ता भी 309 साल कुत्ता बगैर खाए पिए थे बैठा रहा अल्लाह अकबर अल्लाह 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 दे वली भी सुते रहे ना उन्ना दे कपड़े मैले होए ना उन्ना दियां अखां ते जिस्म च मट्टी दा कोई जर्रा गया है ना ही उन्हां नूं कोई ऐसी थकावट ही होई है कि पता नहीं कितनी देर सुते एक दिन या अद्धा दिन जे बंदा नींद कर लैंदा है इवें जनाब नींद तो उठे कहंदे छड्डो अपनियां गल्लां नूं इहदे अंदर बहस करन दी केड़ी जरूरत है ना साडा अल्लाह ही यानी तुहाडा रब भी बेहतर जानदा है कितनी देर इत्थे सुते रहे हो عقدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه जाओ तुहाडे चो इक जावे शहरों सुतरा ते पकीजा जिहा खाना लै करके आवे ओ चांदी दे सिक्के वारिकुम अअदकुम अअदकुम बिवारिकुम ए चांदी दे सिक्के लै जाओ और इक जनाब तुहाडे चो शहर जावे ते खाना पकीजा सुतरा जिहा खाना लै के आवे एवें गंद मंद ना चुक करके ले आवे सुतरा जिहा खाना लै के आवे सुभान अल्लाह और नाल जनाब है जी जड़ा सी खाना खावांगे ये लेकर के आवे कुरान दा सेंटर आ गया दरमियान आ गया कुरान दा क्यों जी
सारे लफज अद्धे एक पासे ते अद्धे दूसरे पासे इंज तो लिया गया कुरान। एदा माना है यत मेरा ते मतलब एको ही है इस्तंबात है ना एदे चो इस्तंबात है के कुरान नरमियां 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 ही नरमियां पैदा करदा है। अल्लाह दा कलाम अल्लाह अपने बंदियां वास्ते मखलूकां वास्ते इंसानां वास्ते अल्लाह लताफतां ही बखेरदा है नरमियां पैदा करदा है। अल्लाह अकबर कहंदे की ले बंदा जेड़ा भी जावे ओ नरमी पैदा करे गल नरमी नाल करे राज ना उठाउण देवे। हां जी जनाब वला युशिरन बिकुम अदा तुहाडे किसे एक दे बारे अंदर उन्हां नूं खबर ना पौने पावे। उन्हां ने आख्या सी हुणे ते उन्हां कोल दौड़ के आए आ इत्थे अल्लाह ने सानू सुणा दित्ता उन्हां नूं पता ना लग जाए खबर ना हो जाए लभदे ते फिरदे होणगे। अल्लाह अकबर लभदे फिरदे होणगे पता ना लगे इन्नहुम इयज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फी मिल्लतिम। अगर उन्होंने पता चल गया ये साहबे काफ कल साढ़े को दौड़ करके जाने वाले उन्ना चुक बंदा है पता चल गया वो सानू पत्थर मार मार के रजम कर देंगे या अपने दीन में लौटा लेंगे। अल्लाह अकबर कहंदे ने अगर वला तुफलिहु इज़न अबदा कमाली हो गई। कहंदे ने अगर असी इंज कर लिया उन्हां दे दीन च सानू लौटना पिया इतनी मेहनत करन दा की फायदा इतनियां मारां खान दा की फायदा इतना जनाब हां जी तंग होण दा परेशान होण दा की फायदा। अगर उन्हां दे दीन च वापस जाना है फिर असी कामयाब नहीं जे हो सकदे बड़े खसारे अंदर जावांगे ना। अल गरज इवें अल्लाह करीम ने उन्हां नूं जनाब सवाया ते उड़दे बाद च लोग गल्लां करदे ने बात लंबी है के बादशाह उस वेले ईमानदार जा मोमन 309 साल जो गुजर गए वो सिक्का पेश कीता कहंदे ने सरकार कित्थों आए हो कब्रां च उठ के आए हो पता नहीं वाकई कब्रां च उठ के आए हो। अल्लाह उन्हां नूं नहीं पता लोगां नूं 309 साल गुजर गए शमसी हिसाब नाल 300 साल ते कमरी महीनिया के हिसाब नाल 9 साल होर ज्यादा वज़दादू तिसा यानी 9 साल होर ज्यादा हो गए 309 साल पहले दी करंसी ओ जनाब उन्होंने फड़ लिया उन्होंने कहते ने दस भी कितों किधर उन्हें क्या मैनू नहीं पता मैं त्या हुणे असी एक वेख्या ते हालात ही बदले हुए ने इत शहर ही होर हालात ही होर उन्होंने समझ ना आवे अल्लाह दे वलियां नूं समझ ना आवे। इत्थे कहंदे ने ना सारे नंग धड़ंग मलंग है सारे सूटे लाण वाले है जी सारे कहंदे ने जे अल्लाह दे वली पहुंचियां सरकारां ने कि तुरदियां जाणदे ने ऐ वेखो ऐ अल्लाह दे वली ने ते पता नहीं लगदा पिया मामला की हो गया। खैर वह कोई बंदे बड़े तारीख नूं पुरानियां चीज़ां नूं जाणदे इक तारीख च किताबां लिखियां आंदियां आंदियां अगे सालां दे साल गुजर जांदे उन्हें आख्या जी इत्थे फलां दौर अंदर फलां बादशाह दे दौर अंदर यह सिक्का चलदा सी ते जिन्हां दीआं गल्लां सुणदे फिरने वो साहबे काफ सन को गार अंदर छुपे हुए सन किधरे वो ही ना होवन अल्लाह अकबर अल्लाह गल राज खुली ते ओ ही निकले किसे ने कहा जी इस जगह देते ना कोई ओ केड़ा ओ भी कोई एडे ईमान दे मजबूत नहीं सन बंदे हाँ हाँ इथो पता लगता है किसी ने कहा जी इतने इमारत बना दें गल लंबी मैं तां तां नहीं पढ़ रहा किसी ने कहा जी इतने मस्जिद बना दें गार वाली जगह से जिते सुते रहने हैं पर कैफ उन्होंने कुछ किया ना क्यों जो हालात बदले दीन और बदलिया जेड़े उस मर मुक गई सारी दुनिया नसलां दी नसलां इन्ने 100 सालां दे विच खत्म हो गई ते फिर जनाब हाँ जी जनाब ये आपस अंदर बहस कर लग गए कोई कहंदे ने जनाब असहाबे काफ 300 ते चौथा उन्हां दा कुत्ता कई आखन असहाबे काफ उन्हां दी तादाद 5 सी ते जनाब 6वां उन्हां दा कुत्ता कई आखन जनाब इत्थे रजमन बिल गई
हबीब नाल ही अल्लाह ने टच दे छड़िया एते तीर ने जेड़े गैबंदर हवाई तीर फेंकते पैने गैबंदर ही तीर सुटते पैने अटकल पचू लाते पैने विचो ही बोले कई कहते ने ये सत सन सत साबे काव वसामिनुहुम कल्बु कल्बुहुम और जनाब अठवा इन्हों का कुत्ता कुल आलम बिइद्दतिहिम कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो इन लोगों नू तेरा अल्लाह ही बेहतर जानदा है कितने सन सानू कितने अगदनियां नाल ते गर्द नहीं जदो उन्हां ने पुछया मेरे नबी को सवाल कीते अल्लाह दे नबी ने फरमाया सी मैं कल दस देंगा अल्लाह दे नबी ने की फरमाया सी मैं कल दस देंगा अल्लाह कल ना दसिया ये खेड़े पै गए दस हूं कल क्या थी अगला दिन गुजर गया ना दसिया वही जो नहीं आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल किया कि वही आ जाएगी मेरा रब मैं वही कल देगा मैं कल दस देंगा अल्लाह दिन पंद्रह गुजर गए अल्लाह करीम ने गल दसने दे बाद वाह वाह मेरे नबी दी अजमत कितनी मेरे नबी दी रिफत कितनी मेरे नबी दी शान कितनी है अल्लाह ने पहले नहीं आख्या अल्लाह करीम ने सवाल दे जवाब देने तो बाद मालिकुल मुल्क ने फरमाया अल्लाह फरमाते ने सोनिया ये मेरे सोने महबूब पैगंबर कदी इंज नहीं करना सवाल करने वाले नूं मैं सवाल का जवाब कल दे दियांगा इंज नहीं कहना वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा इंज नहीं कहना मैं कल दस दियांगा इल्ला अशा अल्लाह इंज कहना सोने की आखना है अगर मेरे अल्लाह ने चाहिया तो मैं कल दस देंगा सोने फिर परेशानी नहीं होनी सी तुहानू अगर अल्लाह ने चाहिया तो कल दस देंगा बरकर जदों बंदा भूल जावे अपने रब नू याद करे अल्लाह तबारक व ताला उस भूल करके गलती करने वाले नू भूलण वाले नू अल्लाह करीम सीधे रस्ते की हदायत देंदा है जेड़ा जनाब अल्लाह दा जिक्र करेगा भूलण तो बाद रब दा बुआ मलेगा वो हदायत दे ज्यादा करीब ये मतलब बनता जे वल्ला भी सूफी काफी सलातमियातिन सिनील मैं इदा तर्जमा पहले करदा रहा ताकि बात लंबी ना हो जाए अल्लाह फरमा देने ओ ठहरे असाबे काफ काफ दी गार अंदर ओ सुते रहे सलासा सलासा मियातिन सिनील 300 साल वज़दादू तिसा यानी 9 साल और बधा दे दे अंदर अलगरद अल्लाह करीम ने सारिया बातां हुण मुशरकीन ने सवाल जो कीता सुना अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अल्लाह कहंदे ने आखो इन लोगां नूं के सारे दे सारे इलम अल्लाह कोल ने ना आसमान जमीना दे गैब अल्लाह जानदा है चंगी तरह गल नूं सुन लो अक्खां खोल के कन्न खोल के सुन लो अजीना अल्लाह दे अलावा कोई कारसाज नहीं है अगली आयत आखर ते फरमाया वला युशरिकु फी हुक्मी अहदा ओदे हुक्मा दे अंदर ओदियां मर्जियां ते ओदे फैसलियां दे अंदर कोई एक भी शरीक नहीं है क्यों जी गल समझ आई ना इस वास्ते अल्लाह करीम ने इस बात नु हजे जनाब लेकिन ये लोग आख देने फिर इन लोगों ने एक ना ही सोचा कहंदे ने ठीक है सारिया बातां कुछ ना कुछ दे जिड्डा भी बंदा होवे इन्ने दलायल ते माड़ी मोटी कोई 19-20 दी गल कोई माड़ी मोटी ते समझ आ गई ना 1% ही भावे समझ आई होवे ते कहंदे फिर की ने कहंदे ने जेड़े मारड़ू जे फटे कपड़ियां वाले गरीबड़े ते मिसकीन जे जेड़े तेरे कोल बैठे हुए ने इन्हां नूं परां कर दियो साइड ते कर दियो असी वड्डे वड्डे चौधरी बड़े बड़े सरदार
बड़िया बड़िया पगां वाले बहुत बड़े बड़े खड़पैच साड़ी इंसल्ट है साड़ी तौहीन है इन्हां दे विच बह के तुहाडी गल सुनिए अगर इन्हां नूं परा कर दिओ उठा दिओ अपने कोलो फिर असीं तुहाडी गल सुनन वास्ते तैयार हाँ मनन दी गल नहीं कीती उन्हें कहा सुनन वास्ते तैयार हाँ मेरे प्यारे नबी हरीस इतने लालची इतने ने इन्हां काफरां वास्ते भी मेरे नबी हरीस ने के जहन्नम दी अग अंदर सड़ रहे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस वास्ते ने इन्हां नूं पकड़ पकड़ के नदियां कमरा तो इन्हां नूं जहन्नम दी अग तो परा करन इन्हां नूं जन्नत दा रस्ता दसन बुखारी शरीफ दी हदीस मुस्लिम शरीफ अंदर हदीस मौजूद है मैं आप पढ़ करके आया मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दी गल तो बाद ख्याल कीता हां जी आपने ख्याल कीता चलो कुछ देर वास्ते उन्हां नूं सैड ते कर देने आ ये मेरी गल सुन गए ते शायद मन भी लैण शायद इन्हां नूं अल्लाह हदायत देवे इन्हां दे दिल दी दुनिया बदल जावे अल्लाह दे नबी ने ख्याल ही कीता है जे दिल च सोचा ही है चलो इन्हां दी गल सुन लैने ये जे मेरी गल सुन गए ते इन्हां नूं ए माड़े गरीबड़े मेरे सहाबा इन्हां नूं अलहदा कर देने आ अल्लाह करीम ने आसमाना तो सेकंड बाद अंदर पूरा होया वही बे छड़िए इधरों दिल अंदर इरादा आया इधरों अल्लाह ने फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम अल्लाह अल्लाहु अकबर जानी अल्लाह करीम फरमा देने सोनिया ए जड़े लोग तेरे नाल यदऊना रब्बहुम बिलकदाती वल्आशी यूरीदूना वजहा सोनिया जड़े तेरे नाल ने अल्लाह नु पुकार देने सुबह शाम अल्लाह दे सामने अर्दाला देने अल्लाह दी रजा चाहने वाले मेरे नबी खबरदार वला तअदु ऐनाका अन्हुम अल्लाह अकबर अल्लाह फरमा दे सोनिया एक बात ये है इन्हनू नफ्सा का नफ्स मेरा दिल है इन्हों लोगों अपने कलेजो जुदा नहीं करना अपने कलेजों जुदा नहीं करना और जेड़े सुबह शाम तेरे नाल रल के अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या अल्लाह यदऊना रब्बहुम जेड़े सुबह शाम अपने अल्लाह नु पुकार देने सोनिया इन्हां नु एक ते अपने कलेजियों जुदा ना करना और खबरदार सोनिया दूर करना ते बड़ी बईद बात है इन्हां नु कोलो परा करना ते बड़ी दूर दी गल है सोनिया अपनिया निकाहां भी इन्हां तो परा नहीं हटानिया अल्लाह अकबर अल्लाह देखो एक होवे ए कौन कौन सन हजरत साद इब्न अबी वकास फरमा दे ने हदीस मुस्लिम शरीफ दी सही हदीस हजरत साद इब्न अबी वकास फरमा दे ने एक मैं हां एक हजरत बिलाल है दूसरे अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक हुज़ैल कबीले दा से आदमी दो से आदमी और ने जिन्ना दा नाम नहीं छह बंदे सारे असि छे बंदे उस वेले अल्लाह ने फरमाया सोने हो तुसी ते मेरे महबूब नू मनन वाले छे हो मेरे महबूब दे कोल इस टाइम वैसे उस टाइम ईमान ते होर भी लाया है सन ना साहबा लेकिन उस वक्त गरीब बड़े लोगां विचो मारड़े ते मिसकीना विचो ए गरीबियां गरीबां विचों फटे कपड़े वालियां विचों गुलामी दी जिंदगी बसर करने वालियां विचों ए छे साहबा अल्लाह दे नबी दे कोल सन अल्लाह ने फरमाया सोणियो तुसी ते छे हो छे सारी दुनिया एक पासे होवे
ते मेरी तौहीद नू मनन वाला मेरे नबी दे नाल एक मेरा काला बिलाल होवे सारी दुनिया नू आगे च झोंक देंगा कल्ले बिलाल नू बिलाल दा ख्याल मैं अल्लाह आप करांगा खुसूसी ख्याल रखांगा अल्लाह कहंदा खुसूसी ख्याल खुसूसी प्रोटोकॉल अल्लाह नू दूजियां दा की परवाह है सारी कायनात जहन्नम अंदर जावे क्यों जी सारी कायनात सड़े जहन्नम अंदर जेड़े सारी कायनात वाले लोग उस वेले तो सारे काफर दे मुशरिक जहन्नम दा बालन बनन सारे अल्लाह नू नहीं मनदे अल्लाह नू अल्लाह दी की परवाह है कल्ला इब्ने मसूद छोटे जे कद वाला गुलाम सारी कायनात नालों भारी है ऐ जे हदीस दा मफहूम ते तर्जमा एक दे अल्लाह ने फरमाया सोनिया इन्हां नू अपने तो जुदा नहीं करना ते दिल दे नेड़े नेड़े रखना इन्हां नू है हा हा सुभान अल्लाह सुभान वस्बिर नफसा का अपने दिल दे नाल कलेजे जो कलेजे दे नाल ना रखना है दूसरी बात नजरा भी ना तो नहीं पवानिया अल्लाह हु अकबर अल्लाह अल्लाह आगे चल करके यानी वाकया बयान करने दे बाद है जी जनाब असहाबे काफ दी बात तो बाद अल्लाह करीम ने इसे तरह तौहीद दे जनाब इतने दलायल दे छड़े रे एक किसे गल नू ते मान लैन किसे निशानी नू ते मान लैन दलायल दिते रे ते फिर जनाब ए जी बयान इतने ज्यादा है जनाब काफरां दा अंजाम ए मनन वालियां दा मुकाम ते उन्हां दी अजमत बयान होई ए पूरे दे पूरे साढ़े चार रकू बयान फरमाए वाकया थोड़ा जिहा अगे लोगों की हदायत वास्ते जेड़े दलायल दिते ने कि शायद इन्हां नूं समझ आ जावे साढ़े चार रुकू मैं बयान करा ते लंबी बात हो जाएगी मैं वो नहीं करता जनाब ए दे बाद आ गई बात हजरत मूसा अलैह सलाम ते खिजर अलैह सलाम दी सुने आजे बात लंबी ना हो जाए हाँ जी قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا फरमाया हजरत मूसा अलैह सलाम जदों चले 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 इन्हां गल्लां दी जरूरत क्यों पई हजरत मूसा अलैह सलाम नूं किसे ने पुछिया या नबी अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह तुहाडे नालों वड्डा भी कोई आलिम होएगा हजरत मूसा अलैह सलाम ने कहा मेरे नालों वड्डा मैं अल्लाह दा नबी हां वक्त दा नबी हां अल्लाह मेरे नाल कलाम करदा है ते फिर नहीं होएगा ना मेरे तो वड्डा आलिम कौन होएगा अल्लाह इलम मैनू अल्लाह ही देता है पर मेरे तो वड्डा होर कोई नहीं अल्लाह ने आख्या अच्छा सोने बस इन्नी गल सी हैं अल्लाह ने फरमाया सोने इंज आख्या तो हुण चल पढ़ने पै पढ़ने पै अल्लाह कहंदा अपने कलीम पैगंबर मूसा नू भी एक गल तो माड़ी जी हालांकि एडी गलती गलती नहीं ते नबी दी शान इस तो भी बुलंद हुंदी है अल्लाह नबी नू अपने पैगंबर नू अल्लाह ने फरमाया मेरे मूसा वो गल तेरी ठीक सी जदों मदियन दे इलाके दे अंदर सुएब अले सलाम दियां बच्चियां उन्हां दियां बकरियां नू पानी पिला के ते रोटी भी नहीं मंगी उन्हां नू फिर अल्लाह ने कितना कुछ दिता गल लंबी ना हो जाए है जी अल्लाह ने फरमाया तू रोटी मंगी ते मेरे कोलो मंगी वो चलियां गईयां बच्चियां ते इत्थे दरख्त थल्ले बैठे दरख्तां दे भुख नाल वो दरख्तां दियां टहणियां चबांदे पए ने अल्लाह पत्ते खांदे पए ने बबोल दे दरख्त उन्हां दियां जानवर भी ना खान ऊंट भी ना खान हजरत मूसा अलैहि सलाम उन्हां दियां टहणियां चबांदे पए ने भुख दे इतने भुख दे मारे होए लेकिन इहदे बावजूद भी अकीदा अल्लाह ने फरमाया वो गल सही सी सुणिया ओ सही सी ऐ गल जिहड़ी है ना ढिल्ली कर दित्ती सुणिया ढिल्ली गल ते पैगंबर दे कोलों अल्लाह सुनना बर्दाश्त नहीं करदा अल्लाह कहंदा सुणिया तो आम बंदा कोई जी गल करे ते कोई एड्डी गुनाह दी गल भी नहीं गलती है ही नहीं लेकिन पैगंबर दी शान किते ज्यादा बुलंद हुंदी है अल गरज अल्लाह करीम ने फरमाया सुणिया हुण चल चल तालीम इल्म हासिल करन वास्ते चल मेरा एक बंदा है ओनू मिल जाके ओनू आख मैं तेरे कोलों पढ़न वास्ते आया
हजरत मूसा अलैह सलाम नौजवान नू लै करके चले, ये नौजवान यूशा बिन नून सरना नौजवान नू लै करके चले। अल्लाह ने हुक्म दिता सी जिथे ए दो दरिया दा संगम आ जाए, दो दरियावां दा संगम यानी इन्हां दे मिलने दी जगह आ जाए जनाब, उत्थे उत्थे वो बंदा मिलेगा। और जनाब हजरत मूसा अलैह सलाम कहंदे ने हुण मैं चलदा जावांगा नाल नाल दरियावां दे नाल, टुरदा ही चला जावांगा, जितनी देर लग जाए सालां दे साल यानी हुकूबा 70 या 80 ते बोलिया जांदा है। कहंदे ने 80 साल मैनू चलना पवे ते मैं चलदा रह जावांगा या इस तो भी ज्यादा, मतलब कि मैं रुकांगा नहीं, ला अबराहु मैं रुकण वाला नहीं, मैं चलता ही जावांगा जदों तक जगह ना आ जाए जिहड़ी मैनू अल्लाह ने दसी है। देखो इलम सीखण वास्ते चल ते फिर महीना दो महीने साल दो चार 10-20 साल की केड़ी बात है, जिंदगी पूरी लग जाए इलम वाले बंदे कोले पहुंचण वास्ते ते टुरिया ही जा, टुरिया ही जा। हजरत मूसा अलैह सलाम अल्लाह अकबर ऐ जे खुलासा सुभान अल्लाह। जनाब टुरे टुरे चलते गए, जिस वेले उन्हां दोवां दरियावां दे मिलने दी जगह आई है ना, हां जी उस वेले यानी मछली नाल लई होई, मछली तल के ना रख लईए के जिथे लोड़ पई असी इहदे चों खा लिया करांगे। अल्लाह ने आख्या सी सोणियो जगह आएगी, मछली जिंदा हो के दरिया दे अंदर कूद जाएगी, छलांग मारेगी। ओ जनाब एक जगह ते जाके थोड़ा जा चट्टान दे नाल आराम करदे ने, उथे यूशा बिन नून की वेखदे ने, अचानक मछली जिंदा होई, ओ जनाब टिफन विचों निकली ते जनाब इवें समंदर अंदर दरिया दे अंदर छाल मार देंदी है ना। और जनाब उन्हें रस्ता बनाया ते जिवें सुरंग बनदी चली गई, जनाब उते भूल गए ते चल पे उतो माड़ा जा आराम करने दे बाद अगे चल पे, चलदियां 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 दूर निकल गए, मीला दे मील निकल गए। अगे जाके हजरत मूसा अलैह सलाम फरमांदे ने, कहंदे ने ल्याए जवाना खाना लेके आ, नाश्ता लिया सी नाश्ता ही कर लईए, इस सफर ने ते सानू भानी छड़िया है, सफर ने बड़ा थकाया, बहुत मुश्किल सफर है। हां जी ऐ गल करदे ने ना ओ नौजवान, उस वेले बोलिया कहंदा हजरत तुसी वेख्या नहीं, नौजवान कहंदा हजरत तुसी नहीं वेख्या कि जनाब जिसले तुसी इवें चट्टान दे नाल आराम फरमा रहे सोना, उस वेले मछली जिंदा होई, उते जनाब समुंदर दे अंदर कूद गई है, उन्हें अजीब जिया समुंदर दे अंदर वत्ता कजा सफीलहू फिल बहरी आजाबा, अजीबो गरीब उन्हें रस्ता बनाया, अजी अजा मैनू शैतान ने भुला छड़िया है, मैनू याद करवाना, मैं क्या हजरत जरा टेक ला के आराम फर मारे ने, उठणगे ते मैं याद करा देंगा। हजरत तुसी उठते ही आख्या चलो चलो ते मैनू भी शैतान ने भुला छड़िया। अल गरज कहंदे ने उते उते ही सी हजरत मूसा अलैह सलाम कहंदे ने ओ कोई ते जगह सी जिन्नू असी तलाश करते फिरे सा, इतने लंबे सफर करते फिरदे सा, ओहो ही जगह सी ना, उतो ही उस वेले उन्हां कदमां ते वापस लौटे, अपने पैरां दे निशान वेखदिया होया उन्हां कदमां ते उस रस्ते ते वापस आए ने। وَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا فَوَجَدَ اُنَا دُوَانِ پَایَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا। अल्लाह कहंदा साडे बंदियां विचों साडे बंदियां चो एक बंदा ओ खिजर अलैहि सलाम या हजरत खिजर अलैहि सलाम नबियां नाल लगदा है, कल्ला हजरत खिजर भी कह सकदे हो, हजरत खिजर नूं उत्थे पाया ना जना। अल्लाह कहंदे ने उन्हां ने खिजर नूं पाया, आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना, अल्लाह कहंदा है असी उन्हूं दित्ती अपनी तरफ रहमत, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा,
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਲਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਖਤਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਲਮ ਸਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਬਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰਾ, ਬਲਕਿ ਦਤੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਾਸ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਖਿਜ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਿਜ਼ਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਤਜੀਦੁਨੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਸਾਬਿਰਾ ਵਲਾ ਅਹਦ ਵਲਾ ਆਸੀ ਲਕ ਅਮਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਬਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਖਿਜ਼ਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਲਮ ਹੀ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਸਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਰੀਕਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਮ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹੈਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ ਲਦੁਨੀ ਇਲਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਦੁਨ ਹੈ ਮਿਲਾ ਦੁਨ ਕਾ ਵਲੀਆ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ਼, ਲਦੁਨੀ ਇਲਮ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਦੁਨੀ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀਨਾ ਗਜ਼ਟ, ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਲਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂਜੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਮਰਾਹ ਤਬਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਵਾਸਤਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਕਾਮ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਹੱਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੀਆ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਾਂ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ 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 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਿਜ਼ਰ ਜੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਉਖੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ,
कहते नहीं हूं वेखो कोई गल करने वाली यह भी गल कोई करने वाली है कि वो जनाब ये गरीबां की कश्ती वो फटे तोड़ने शुरू कर इस वास्ते तोड़ते पै को लोगों डोब दो डबो दो लोग डबो के मारने ने सीधा हजरत मूसा अलैहि सलाम जलाली पैगंबर जज्बाती फौरी तौर पर कहते हैं कहते लोगों मारन वास्ते है जी गरक दे लफज आते हैं लोगों मारन वास्ते डबोन वास्ते यह फटे तोड़ते पे हो ये अजीब गल कर दी तुम अजीब नवी जी बात कर दी है खिजर कहते ने मैं तेन आख्या नहीं सी तू सबर नहीं कर सकेगा मेरिया गल हूं जा कम कर आपका हजरत मूसा अलैहि सलाम मिन्नत समाजत कर लग गया माफिया मंगन लग गया कहते ने बस हूं मैं मौका दो हूं मैं सबर करांगा हूं नहीं मैं सवाल करता अगे चले तो एक लड़का ओनू जनाब खिजर आले हजरत खिजर ने ओनू ना ओनू कतल कर दिया अल्लाह अकबर अल्लाह हुण हजरत मूसा अलैहि सलाम कि चुप रह सकते सन कहते सन देखो ए लड़के नूं जो तुसी मार दिता जे ते ए है जी हालांकि कोई इन्हें कतल नहीं किया कोई जुर्म नहीं किया ना हक तुसी इन्हूं मार दिता कि किसे बंदा होवे ना इन्हें कोई गलती की है मारन दे लायक होवे है जी इन्हूं कतल करना जायज होवे वह भी नहीं इन्हूं कतल करना जायज नहीं बंदा एवें एवें मुंडा फड़का क्यों मारिया है कतल कर दिता खिजर अलैहि सलाम कहते ने मैं तेन आख्या नहीं सबर नहीं कर सकेगा हूँ अपना राह लै तू निकले तो है जी हजरत मूसा अलैहि सलाम फिर कहते ने जी मैं एक चांस तो होर दो ना है जी तीसरा चांस तीन चांस तो होंगे ने ना कहते ने तीन ऐ मैं तीसरा एक चांस होर दे दो ते फिर अगर मैं फिर ना चुप किया तो फिर मेरी तुहाड़ी जुदाई है तो फिर मैं तीसरे चौथी बारी सवाल नहीं करांगा क्योंकि उजर दा जिहड़ा मेरा बहाना उजर दी लिमिट है ना तीन बारी दी वो मेरी खत्म हो गई ऐ जे मफहूम इहदा मुख्तसर बात जनाब निकले अगे गए ना एक बस्ती अंदर पहुंचे उन्होंने लोगों तो खाना तलब किया तो बस्ती आलिया ने साफ इनकार कर दिता मेहमान नवाजी करने तो साफ ही इनकार कर दिता ते खिजर अलैहि सलाम ने वेख्या कि एक दीवार है वह डिगना चाहती है डिगी के डिगी टेढ़ी हो पई है तो उन्होंने दीवार नू नवे सिरों हजरत मूसा अलैहि सलाम नू नाल लाया दोवां ने नवे सिरों दीवार बना दिती हजरत मूसा अलैहि सलाम कहन लगे हुण गल अगे नाल ढिली हो गई कहन लगे कि उन्हां तो तुसी इहदी मजदूरी भी लै सकदे हो मतलब कि जेड़े खाणा खवाण जोगे नहीं मेहमाना दे मेहमान खाना मंगण यार मंगण वाले मेहमान आण के खाना मंगे तो उन्हें तो बंदा रहा तो रहा बंदा भी खवा जाता है एडे गए गुजरे ने मंगण नाल भी खाना नहीं खवाया तो लिहाजा इन्हां तो तुसी मजदूरी लै लेंदे हुण तुसी दीवारां सिद्धियां करदे पे हो दीवारां टिपटियां दीवारां बनवाते पे हो खिजर अलैहि सलाम कहन लगे बस मैं तेनू आख्या नहीं सी कि तू हुण ना है जी मेरे नाल नहीं चल सकता मैं तेनू कहा सी सबर नहीं कर सकता हाजा फिराकु बेनी व बेनिक फरमान लगे ऐ हुण मेरे ते तेरे दरमियान जुदाई बस जुदाई है लेकिन मैं उन्हां बातों की तावील है जी उन्हां बातों की तावील तुहानू दस देना जिहड़ियां बातां ए तीन गल्लां होईयां ने बस इन्ना की इलम सीख सकना जिहड़ा बंदा चुप ना कर सके है जी उस्ताद दे आखे ना लगे वह इलम एडा हासिल कर सकता इलम नहीं बहुता सीख सकता वह राह च ही रहेगा जी हज़रत मूसा अलैहि सलाम राह च रहे इस तरीके नाल उन्होंने कहा हुण तेरी मेरी जुदाई है लेकिन जिन्हां गल्लां ते तू सबर नहीं ना कर सकिया उन्हां दी मैं तुहानू वजाहत माड़ी जी दस देना वह जिहड़ी कश्ती सी ना वह मिसकीन लोग सन गरीबड़े लोग सन वह दरिया दे विच काम कर कश्ती उन्हां दा रुजगार जरिया मुआश बनिया होया ठीक है ते एक बादशाह सी वह नवियां कश्तियां नू अपने कब्जे च लैंदा फिरदा सी ते मैनू मेरे अल्लाह ने दस्या कि ये गरीब ने इन्हां दा फायदा कर दे कश्ती नू यानी दागदार कर दिता लिहाजा इन्हां दी कश्ती बच जाएगी बेचारा दा रोजगार चलता रहेगा वो इतों गुजरेगा गुजर जाएगा इन टुटी सवेक के ते लिहाजा अपने कब्जे च नहीं लेगा कल नू फिर फट्टे जोड़ लैणगे तो क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह ते इस वास्ते और नाल ये फरमाया नाल कहंदे ने ये जड़े ने ना ऐ जड़ा गुलाम है ना गुलाम बच्चा जड़ा बच्चा मैं कतल कीता है ना बच्चा ते ओदे वालदैन काना अबूहू मुमिनीन है जी मुमिनैन दोवें
ابو انہاں دے والدین مومنین آکھے تھے مومنین نہیں ہاں جی انہاں دے ابا سن نا یعنی ماں باپ او مومن سن نیک لوگ سن تے میں آکھیا اے جڑا بچہ ہے نا مینوں میرے اللہ نے دسیا وڈا ہو کے سرکش تے نافرمان بنے گا انہاں نوں بہت تکلیف ہوئے گی بہت بچارے نیک لوگ نے انہاں دی نیکی دی وجہ تو اللہ انہاں نوں تکلیف نہیں دینا چاہندا اللہ نے مینوں حکم دتا ہے اس بچے نوں مار دے تے اللہ کہندا ہے میں انہاں نوں ہور بیٹا دیاں گا او بڑا ہی پیارا ہوئے گا تے بڑا ہی فرما بردار ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ تے کہندے نے اے جڑی دیوار ہے نا دو یتیم لڑکے انہاں دے ماں باپ فوت ہو چکے اس شہر اندر ایتھے رہندے سن اور اس دیوار دے تھلے انہاں نے خزانہ دفن کیتا ہویا سی خزانہ نپیا ہویا سی تے اے جناب دیوار اسی تاں بنائیے کہ جدو جوان ہون گے خزانہ کڈ لین گے انہاں دے ضرورت دے کم آ جائے گا دیوار نہ ہوئی تے لوگ ہور کٹ کے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے رول جان کے بچارے خزانہ ہیں جی انہاں دے والدین نے جوڑیا ہویا اور وکانا ابوہما صالحا انہاں دے والدین بھی بڑے نیک سن سبحان اللہ اگر نیک آپ ہے نا اسی کہنے ہاں اسی جہو جے مرضی ہوئی ساڈا بیٹا حافظ تے قاری تے عالم او تہجد گزار ہونا چاہیدا ہے او ولی ہوئے اللہ دا نیک ہونا چاہیدا ہے او دے واسطے اے سوچاں لئی پھر رہے ہاں تے آپ اسی نماز پڑھن واسطے جان واسطے تیار نہیں ہے جی اسی کہہ دینے ہاں بچیاں نوں چلو چلو اے نماز پڑھ کے آؤ کدو جان گے مسیتے یا کہ آؤ بیٹا نماز پڑھن چلیے کیوں جی یہ نیک والدین سن جدی وجہ کر کے جناب اللہ کریم نے انہاں دے بچیاں تے ترس کیتا انہاں دے نیک والدین دی وجہ تو سبحان اللہ والدین دی نیکی دا فائدہ بچیاں تک انہاں دی اولاد تک بھی پہنچ دا ہے ٹھیک ہے نا سمجھ آ گئی بات کہندے نے ہن چل جا بس کام کر ہن اتنی گلاں سن جڑیاں تینوں دس دتیاں ہن تانوں وی انیاں کی گلاں سن جڑیاں دس دتیاں تے بات لمبی ہو رہی ہے یار تے ذوالقرنین دا چلو دو تین منٹ اندر میں ٹھیک ہے نا ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ گزرے اللہ نے بڑی قوت دیتی سی مشرق تک بھی گئے تے مغرب تک بھی گئے ٹھیک ہے پہلے مشرق تک جتھے سورج دلدل دے اندر غروب ہوندا پیا سی پھر قرآن کہندا ہے مشرق ونے جتو سورج نکلدا پیا سی چکڑ جے چوں نا دلدل دے وچوں سورج نکل رہا سی اس جگہ تک پہنچے او دے قریب ایک قوم او قوم نے آکھیا تے کوئی اللہ نے انوں پاور دتی ہے کوئی نیک بندہ ہے ذوالقرنین تے او جناب اے قوم انہاں دے قریب آئی کہندے نے جی ایتھے اے پہاڑاں دے درمیان پرلے پاسے ایک درہ ہے درمیان چوں دے پرلے پاسے بہت بڑی وادی ہے او دے چ انیک مخلوق ہے انیک لوگ نے تے فسادی بڑے نے بڑے فسادی نے ذوالقرنین اسی تینوں تھوڑا جا کوئی دے بھی دینے آ کوئی خرچہ کوئی یعنی تعاون کر دینے آ کوئی پیسہ کمے کوئی دو انہاں نے کیا مینو اللہ دا بڑا کچھ دتا ہوا ہے تسی انفراد جڑی نا انفرادی قوت ہے جی افرادی قوت جڑی افرادی قوت ہے او دیو تسی میرے نال لگو تے تسی او میں جڑا کہاں او سامان لے کے آؤ فلاں چیزاں انہاں نے جناب او قوم فسادی کون سن ادھر آندے سن مار کٹ کچمبر کٹ کے انہاں بچاریاں دا اجاڑ دے بستیاں دی بستیاں اجاڑ کے چلے جاندے سن او یاجوج ماجوج سن قرآن نے ہاں ہاں تے ذوالقرنین نے نال انہاں نوں لایا جڑے اچھے لوگ سن جڑے لوگ انہاں تو پریشان سن یاجوج ماجوج تو فسادی لوگاں تو فسادی قوم تو پرے او دے درمیان چ نا ایویں لوہے دیاں چادراں ایویں ڈبل تربل موٹیاں چادراں تے انہاں دے اندر اگ جلائی گئی پھر انہاں دے اندر تانبا پنگلا آیا گیا تانبا ڈالیا گیا پھر نہ انہوں توڑ سکدے سن تے نہ انہوں اتوں دی پھلانگ سکدے سن اے سکون وچ ہو گئے تے او جڑے یاجوج باجوج سن نا اس دیوار نو کئی کہندے نے چٹ دے سن کئی کہندے نے توڑ دے سن سنگاں نال ایویں جناب اپنے جننے وی ہتھیار سن انہاں کولے کوہاڑیاں نال تھوڑیاں نال پتھراں نال توڑ دے شام ہوندی سی نا کہندے سن سویرے کام نبڑ جائے گا او سویرے ہوندی سی تے اللہ پھر اس دیوار نو اسی طرح ہی سلامت کر دیندا سی اگلا دن بھی انج قیامت تک لگے رہن گے جدو اللہ دا وعدہ آ گیا نا
उस दिन एक दिन पहले कहणगे, जिस दिन सवेरे क़यामत आनी ना, एक दिन पहले कहणगे कि हुण अगर अल्लाह ने चाहा ते, फिर इंशा अल्लाह कहणगे अगर अल्लाह ने चाहा ते असी इस दीवार नूं हां जी सवेरे सवेरे ढा देंगे, तो बस वह सवेरे दीवार टह जाएगी तो निकल आएंगे। ये हजरत ईसा अलैहि सलाम दे नज़ूल तो बाद दी बात है। तो बरकैफ इस तरह क़यामत ने आना ही आना। तो ये जड़ा ना सूरह काहफ का खुलासा इत्थे मुकम्मल होया। अल्लाह ने फरमाया ए जड़े लोग फिर बड़ी दो रुकू फिर जना वाज तबलीग इन मुशरकीन नू काफरा नू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आखर ते बात फरमाई, फरमाया जी कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमात रब्बी। कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर अगर सारे दे सारे समंदर दियां सियाइया बना लो अल्लाह दी तारीफ अल्लाह दे कलिमात। फरमाया जनाब इन्हां नूं लिखना शुरू कर दियो। है जी ए अल्लाह दे कलिमात अल्लाह दियां बातां ए जनाब नहीं मुकम्मल लिखिया जा सकदियां। लतला नफिदल बहरु कबला अंतन पदा कलिमात रब्बी वलौ जिना भी मिथली मददा। अगर इन्हां दी मानद सियाइयां इतनियां होर भी लैके आ जाओ जितनिया सियाइयां पहले सारे समुद्रां दियां बना लो इनिया होर लैके आ जाओ अल्लाह दियां गल्लां मुक सकदियां नहीं। की मतलब अल्लाह दियां तारीफां नहीं जे मुक सकदियां। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। फरमाया हां जी अल्लाह दे नबी ने अल्लाह फरमांदे ने इन्हां नूं कह दियो मैं कदों आखना मैं फरिश्ता, मैं कदों आखना मैं आलिमुल गैबा, मैं कदों आखना मैं मुश्किल कुशा, मैं ते कुछ दावे करदा ही नहीं हां। सोणिया नूं आखो मैं ते सिर्फ इंसान हां तुहाडे तरह जिवें तुसी इंसान हो, नस्ल दे एतबार नाल जिनस दे एतबार नाल मैं इंसान हां, लेकिन मुकाम ते मरतबे दे एतबार नाल तुहाडे सारियां तों उच्चा क्यों जो यूहा इलैया मेरी तरफ वही आंदी है ना। ए फरमाया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। हां जी जना तुहाडा ते सारेयां दा इलाह इक्को इलाह है। अलिफा मन कान यरजू लिका रब्बी फलयअमल अमलन सालिहा। जेड़ा बंदा अल्लाह दी मुलाकात दा जिन्ना मुलाकात दा जनाब इरादा रखदा या उम्मीद रखदा अल्लाह दी मुलाकात करन दी तवक्को रखदा है ओनू चाहिदा है चंगा चंगे अमल करे। वला युशरिक बिबादती रब्बी अहदा। फरमाया अल्लाह दे नाल अल्लाह दे बंदियां चों किसे बंदे नूं शरीक ना करे ते फिर है सिद्धी राह ते। बरकैफ इतने वक्त अंदर इतने कुछ बयान हो सकदा सी। अल्लाह तबारक व ताला सानूं अच्छियां अच्छियां कुरान और सुन्नत दियां हदायात ये अहकामात इन्हां ते अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक। अल्लाह अच्छा यार तेरे दुआ वास्ते क्या है दरखास्त बड़िया हुई मैं भूल ही गया एक दुआ केड़ी सी हैं। हाँ जी जी ओ वाकई जिस वेले मैं बयान करना होंदा ना मेरा वो सारा मुतालिया जो मैं नॉलेज किया होंदा है वो सारी दी सारी अपने उस बयान बने तवज्जो हो जाती है दूसरी चीज याद नहीं रहती। तो ऐ मेरा भांजा है अताउल्ला ये कह रहा सी मामू जी सी मेरे अब्बा जी वास्ते अब्दुल रहमान अल्लाह करोड़ों रहमत फरमाए मेरे भाई अब्दुल रहमान ते इन्हां दे कारी यूसुफ होरां दे
और मुहम्मद बेटा कारी दलफीज और आंदे मामू जान सन अब्दुल रहमान अल्लाह ताला उन्हें जन्नत चाला मुकाम अता फरमाए ते कहंदे नाल फिर इन्हां दे दादा जी ते मेरे बच्चों के नाना जी मेरे मामू इत्थे साडे कोल रहिंदे हुंदे सन मियाँ शेर मुहम्मद अल्लाह ताला उन्हां दी भी मगफरत फरमाए खसूसी दुआ करनी है होर भी जिन्ना जिन्ना दे वालदैन अल्लाह कोल चले गए जो बुजुर्ग जो भाई जो दोस्त जो भैणा भाई जो अजीज़ो अकरबा विचों जो जो चले गए अल्लाह सारयां नूं जन्नतुल फिरदौस चाला मुकाम ते 27वीं रात नूं सूरह यासीन ठीक है जी सूरह यासीन इतने इतने उहदे च मसाइल ने इतना इतना कुछ बयान होया लेकिन छोटी जी सूरत है ते मैं मुख्तसर जा उदे विच्चों भी चौथा हिस्सा बयान करांगा और इंशाअल्लाह आ जाएगा लुत्फ अल्लाह की मेहरबानी दे नाल बहुत कुछ मिलेगा 27वीं रात नूं इस जगह ते अपने दोस्तां नूं दो चार दस साथी हर बंदा कोशिश करे कि दो दो बंदियां नूं नाल लैके आओ ते उस 27वीं रात का खुलासा होएगा सूरह यासीन और फिर इस तरह 29वीं रात नूं भी खुलासा बयान होएगा सूरह तहरीम सूरह तहरीम का खुलासा इंशाअल्लाह बयान होएगा उदे विच भी बड़े बड़े प्यारे मिसाइल ने ये दोवें सूरत एक तो एक वध ने इंशाअल्लाह इस तरह बयान होएगा हाँ जी हाँ 27वीं हाँ 27वीं असी अल्लाह के फजल नाल तुहानूं कारी अब्दुल हफीज साहब बेटे नूं भी कहांगे वह भी कुछ बयान करे क्यों जी वो थोड़ा जा टाइम बाकी मेरे शागिर्द भी दस दस मिनट भी मिनट बयान करन फिर मैं थोड़ा जा हिस्सा पा देंगा एवं डेढ़ दो मिनट मैं बयान बस इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक हाँ पंजाबी पाँच मिनट पाँच दिन पंजाबी पाँच मिनट पाँच दिन आओ जी दुआ करिए अल्लाह ताला ठीक है खाने का इंतजाम है सारे दोस्त वैसे ही नोट के टुर जान खाना खा के जाए الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا احفظنا من مصائب الدنيا والآخرة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللہ جی ساڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما میرے پیارے بھائی عبد الرحمن اور اسی طرح ساڑے مامو جان میاں شیر محمد اللہ اللہ اور انہ تو علاوہ میرے والدین میرے انہ دوستاں دے جنہ جنہ دے والدین فوت ہوئے نے عزیز و اقرب دنیا تو چلے گئے نے اللہ اپنی رحمت نال سارے انو جنت الفردوس چالا مقام عطا فرما اللہ اللہ او جنتاں دے دے ہیں جی او جنتاں والی من خاف مقام ربی جنتان سورہ رحمان دے اندر جو جنتاں دے تذکرے سنے اور پھر انہاں تو علاوہ دو ہور جنتاں او انہاں تو ہی ود اللہ ود تو ود انہاں نو جنتاں عطا فرما دے اللہ ود تو ود انہاں نو اعلی مقام عطا فرما دے یا اللہ اللہ سونے اے دینی ادارے نے مسجداں نے مدارس نے انہاں نو قیامت تک قائم دائم رکھیں اللہ سونے اے غیبی مدد فرما غیبی مدد فرما اپنے دینی انہاں گلشناں نو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے دے اللہ غیب دے خزانے تیرے بڑے پرے ہوئے نے لا اگر تیرے بندیاں دے رخ انہاں نالو دور ہوندے چلے گئے دور ہو چکے نے تقریباً تقریباً ساڈا تے واہ پیا ہے اللہ سونے تیرے خزانے مکتے نہیں گئے اپنے خزانے چوں اللہ اے دینی اداریاں نال جتھے قرآن دی تعلیم احادیث دی تعلیم تربیتاں کیتیاں جاندیاں نے بڑے اچھے انسان پیدا کیتے جاندے نے انساناں دی تربیت کیتی جاندی ہے اللہ انہاں دینی اداریاں نال اپنے غیب دے خزانے چوں مدد فرما اللہ راضی ہو جا یا اللہ مظلوم کشمیریاں دی مدد فرما یا اللہ اللہ سونے انہاں واسطے اپنے غیبی ابابیلاں جیسے لشکر بھیج اللہ انہاں دی مدد واسطے اپنے ابابیلاں دے لشکر بھیج اللہ سونے اللہ جی اپنی رحمت نال انہاں دی مدد فرما اللہ اللہ کافراں نوں انہاں مشرکاں نوں اے جڑے درندے ظالم ظلم کردے پے نے بچیاں نوں ذبح کردے پے نے عورتاں نوں ذبح کر رہے نے
और बुढ़िया नु माफ नहीं, बुढ़िया नु भी उन्हां दे टुकड़े करदे पै ने। अल्लाह अल्लाह एहो जे जालमां दा सत्यानाश फरमा, अल्लाह इन्हां नु तबाहो बर्बाद कर दे, ते इन्हां दी हमायत करने वालियां दा भी अल्लाह कंडा कट दे। अल्लाह सोणिया जेड़े मजलूमां दे उत्ते हुंदे जुलम बन्ने वेख के कुछ भी जिन्हां नु नहीं हुंदा टस तो मस नहीं हो रहा, उन्हां दी मदद नहीं करदे, ताकत और कुदरत कुव्वत होने दे बावजूद भी नहीं अगे होंदे, अल्लाह उन्हां दा भी मूदी दे नाल ही मलिया मेट कर कह दो, बेशक कह दो आमीन। ठीक है, जेड़े इतने जेड़े बेदर्द हो चुके ने, बेहस हो चुके ने, ईमान रत्ती बराबर नहीं रहा, उन्हां वास्ते दुआवां करन दी कादी लोड़ है। अल्लाह या ते उन्हां नूं हदायत दे दे, जिवें अपनियां कुर्सियां बचाने वास्ते 40-40 मुल्कां दे इत्तेहाद बनाई फिरदे ने, इवें इन्हां मजलूमां वास्ते भी कोई आवाज उठावे, या ते हदायत दे दे, जे हदायत नहीं उन्हां वास्ते, इन्ना ही नाराज हो चुके हैं उन्हां नाल, ते फिर अल्लाह सोणिया मुद्दी दे नाल ही उन्हां दा मलीदा ही बना दे, अल्लाह बर्बाद कर दे उन्हां नूं। अल्लाह इन्हां मजलूमां दी मदद फरमा। अल्लाह सोणिया ए सारे मेरे वीर भाई जो जो ये बात सुन रहे ने, जिथे जिथे लाइव बात जा रही है, दुनिया बैठी सुनदी पई, दुआवां शामिल, अल्लाह मेरे तमाम भाई, तमाम दोस्त, तमाम रूहानी मावां, भैणां, बेटियां, बच्चे बच्चियां, मेरे जितने भी शागिर्द ने, जितने भी दोस्त ने, अहबाब ने, अल्लाह उन्हां सारयां दे दिलां दे नेक इरादे सारे ही पूरे फरमा। अल्लाह सोणिया सानू जदों तक जिंदा रखें, बड़ी शान नाल मारें ते मारी, पुख्ता ईमान नाल खात्मा ईमान ते फरमा। अल्लाह साड़ियां सारियां दियां औलादां, जितने असी मुसलमान हाँ, जितने मोमिन हाँ, जितने कलमा गो हाँ, अल्लाह साड़ियां औलादां चो कयामत तक वास्ते कोई मुशरक पैदा ना फरमाई। अल्लाह सोणिया तेरे दीन ते चलण वाले, तेरी तौहीद ते चलण वाले, तेरे नबी दियां सुन्नतां नूं अपनाण वाले, तेरी राह अंदर खर्च करने वाले पैदा फरमांदा ही रही। अल्लाह खर्च करनगे ते तू अपने वादे निभांदिया होया उन्हां दे रिज़्क वधांदा ही रही, रिज़्क वध जाणगे ते फिर ईमान घट जांदा है, अल्लाह ईमान दियां हिफाजतां भी फरमांदा ही रही। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ